ये नहीं खत्म हो रहा यार, कब से आई है यूट्यूबर्स को व्यूज दिए जा रही है पर तुझे तो फिर भी नहीं मिल रहे व्यूज। इमोशनल डैमेज। अरे तो क्या हुआ, कोशिश तो कर रहे हैं ना हम, एक दिन यूट्यूब को दया आएगा हम पे। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? वेल मे बी ये एक इकलौती सी चीज है जो भारत का फायदा कर रही हो इकोनॉमिकली, वरना तो वहाँ यही लाइन फेमस है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। स्टिल यार पाकिस्तान नेबर है हमारा और ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि वो लोग इतने गरीब हो, क्योंकि गरीब पड़ोसी का एक ही काम होता है। हेलो जी, वो मेरा आटा खत्म हो गया है, थोड़ा आटा मिलेगा क्या? थैंक यू। The next morning. अरे आज ना चीनी खत्म हो गई, थोड़ी सी चीनी दे दो, वो मेरे को चाय में डालनी है। A few moments later. आपके यहाँ पे आलू होंगे क्या? थोड़े आलू दे दो प्लीज। 2 hours later. मैदा होगा क्या? मैदा? अरे बस कर भाई। खैर इसी सीमा हैदर की वजह से लोगों ने फाइनली लाइव एग्जांपल देख लिया है कि मोहल्ले की आंटी से ज्यादा बड़ा रोस्टर कोई है ही नहीं। तो रोस्टिंग के राजा कैरी मिनट इन द हाउस। लेकिन सरप्राइज ये है कि आज ये रोस्ट करेंगे नहीं, आज ये रोस्ट होंगे। किन से? मैम सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है। आज ये आंटी ने सही जगह सही समय पे अपनी बात कही और अब हर दिल की जुबान बन चुकी है। आंटी ने अपने पूरे जीवन की फ्रस्ट्रेशन निकाल दी माइक पे और इतनी फेमस हो गई। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। इनसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो मैं रहती हूँ, बस मैं ही फेमस नहीं हो पा रही। आंसू कहाँ है आंसू? नहीं मैं तो नहीं रो रही, जलन वो भी मुझे नहीं तो बोलो आंटी, आप बोलो, आप कंटिन्यू रखो अपना। सचिन को छोड़कर कैरी को रोस्ट करने आई है। क्या बोलना चाहोगे आप कैरी को पहले, रोस्ट से पहले? हाँ, थोड़ा सा रोस्ट से पहले बात कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट, दिल पे मत लेना, अगर कोई बात बुरी लगे तो भूल जाना। हाँ, मैं भूलने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। वाह गर्दा उड़ा दी आपने एकदम आंटी, आपकी ये लाइन ना तो हम भूल पा रहे हैं ना ही हमारे न्यूज चैनल वाले भूल पा रहे हैं, और अब तो कैरी के डाई हार्ड फैंस भी नहीं भूल पाएंगे। और ससुराल न्यूज वाले तो भाई साहब इतने तेज हो गए कि आंटी के डैशिंग चार्मिंग हस्बैंड तक को ढूंढ लिया इन्होंने और अब बिना सर्फ एक्सेल के उन्हें धोए जा रहे हैं। आपको बताएं कि मिथिलेश के जो पति हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं? मैं पहली तस्वीर कहूंगा कि सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन वो पहली तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। खेत में इस वक्त है, उनसे बातचीत करेंगे हम कि ये है। लगातार हमने देखा कि बातचीत होती रही, तो ये जो है मिथिलेश के पति है। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है जी? भाई साहब जी और ठीक ठाक हो जी? अबे यार भाई सो रहा है बंदा, सोने दे दो, खेती करके थका हुआ इंसान है। इतने झूठ मारूंगा भाई न्यूज वालों को, बस चले तो ये कैमरा और माइक लेके इंसान के लेटरिंग तक में पहुंच जाएगी। अरे भाई साहब हगिएगा बात तो पहले हमें बता दीजिए। हाँ सूत्रों से हमें पता चला है कि ऐसा ऐसा है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा। जवाब दीजिए, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अरे बाद में करिएगा, पहले हमारा जवाब। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ऐसे लोगों की वजह से ना नरक में भी वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। जिंदगी का बेसिक क्या है, कमाना खाना सोना, और उसमें भी कुछ लोगों को मौत आ जाती है, अगले को सोने ही नहीं दे रहे। शर्म करो, भगवान से डरो। ताऊ की जगह अगर मैं होती ना एक अद्धा चला के मार देती, एक नींद ही तो सुकून देती है, वो भी तुम छीन लो। सबके सब चोर है साले। आए जी नोएडा से, बैठ लो जी, राम राम जी, हो ठीक भी हो? अब तुम सोच रहे होगे कि तो ये है आंटी के अंकल। हाँ भाई बिल्कुल, क्यों हो नहीं सकते क्या? अब आंटी इतने तगड़ा रोस्ट करते हैं तो उनकी हालत तो ऐसी हो ही जानी है ना। क्या बढ़िया था गुरु। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। आंटी गो फॉर इट। क्या है कैरी में? हाँ लप्पू सी शकल है, झिंगुर सा लड़का, बोलना यहाँ पे आवे ना, बोलियो पावे ना, और बाई चांस जरा सी हवा चल गई ना तो पता ना कौन सा कोने में जाके चिपक जाएगा। पैसा मिला हो तो इंसान खुद को भी रोस्ट करा लेता है। ओए चुप, ऐसे मुंह पर थोड़ी बोला जाता है। कैरी के साथ उनो रिवर्स हो गया। ये आएगा से इकलौती ऐसी वीडियो की जिसमें कैरी का रोस्ट किया हो और बदले में सामने से गालियां नहीं पड़ी हो। उड़ना पड़ेगा दूरबीन से लेके। अरे सिर पे रख रखा घोंसला, हमें कबूतर अंडा दे जाएंगे, बालन ने कटवा लो नाई के पास। यार आंटी बेइज्जती तो बहुत सही करती है, और पता नहीं क्यों शादी के बाद जैसे लड़की औरत बनती है ना, उसके अंदर ये सुपर नेचुरल पावर आ जाती है रोस्ट करने वाली, फिर वो सबकी वाट लगाते रहती हैं। इनको देख के लगता है कि अगर मेरी मम्मी कैमरा कॉन्शियस नहीं होती तो आज वो इंडिया की बेस्ट रोस्टर होती। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। और उनके चैनल का नाम होता फ्लाइंग चप्पल, जिस वीडियो की हर लाइन में तुम्हें महसूस हो रहा होता कि तुम्हारी माँ तुम्हें सुना रही है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है दिन भर गेम खेलता रहे, पड़ा पड़ा घर में काम धंधा ना हो तो पे। जेनवनली ये आंटी तो कतई मम्मी बन चुकी है, अगर तुम आंख बंद करके इनकी रोस्टिंग सुनोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें डांट रही है। भाई साहब कैरी भी सोच रहा होगा
गेम खेला करता था स्टार्टिंग में। ये सारी वही बातें जो घर में सुनाई देती है जब तुम हेडफोन लगा कर पबजी खेल रहे होते और बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है। बस यहाँ पे कैरी अपना हेडफोन मिस कर रहा होगा। ऐसा ढोल रहा बना हुआ नवाब चिल्ला चिल्ला के बात करे, तमीज नाम की चीज ना है, बिल्कुल बेसहूर हो। कौन सा दिन सहूर सीखेगा हैं? इंडिया की मम्मी पता नहीं कौन से मम्मी यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आती हैं, क्योंकि भाई इन सब के ताने सेम हैं, इन सब के वेपन सेम हैं, सेम वही धनिया मिर्च फ्री लाना सब्जी वाले से। भाई इतना तो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता ना, कहीं से तो सीख रही हैं सारी मम्मियां। इस पे रिसर्च होनी चाहिए और रिसर्च इस पे भी होनी चाहिए कि कैसे न्यूज वालों ने आंटी को इतना फेमस कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूबर्स के अगले कंपेटिटर ना निकले। Miracle. चलो अब न्यूज वाली आंटी से बढ़ते हैं हमारी प्यारी राज दुलारी उर्फी दीदी। हे माँ, माता जी, शरीर का जो हिस्सा कपड़े से ढकना चाहिए उसे हाथ से ढका है, और जो दिखाना चाहिए उसे कपड़े से ढका है। इतनी कंफ्यूजिंग हो चुकी है भाई ये दुनिया। उर्फी दीदी की हरकतों की वजह से किसी ने इनको कहा होगा कि ये जो तुम करती हो ना, किसी दिन तुम्हें मुंह छुपाना पड़ जाएगा। फिर क्या, सीरियस ले लिया इन्होंने। दीदी दीदी कोविड कोविड खत्म हो गया है, अब ये मास्क उतार सकती हैं आप। वैसे जितने कपड़े दीदी पहनती हैं वो मास्क ही बन सकते थे, पर ठीक है। और दीदी ये मास्क जो है कपड़े पहनने के बाद पहनना था, अभी आपने पहले पहन लिया, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो आपको तो पता ही नहीं होगा ना कि आपने कपड़े पहनने भूल गए हो। बस अब कोई इनको हैंड्स अप ना बोल दे। हेलो अंजी, मेरे को अपने घर में ना लैंडलाइन का कनेक्शन लगवाना है। क्या मतलब सारा सामान खत्म हो गया है? अच्छा चलिए ठीक है, मैं किसी और कंपनी में बात कर लेती हूँ। हेलो अंजी सर, मुझे अपने घर में लैंडलाइन का आपके यहाँ भी सारा सामान खत्म हो गया है? ये चल क्या रहा है, हर जगह सामान खत्म। उर्फी दीदी देखो वापस कर दो, मैं बोल रही हूँ यहाँ मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे जरूरत है। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? और वहां अपने फोन का कोई नंबर डायल कर देगा। पीसीओ का बिजनेस बंद हो गया था पर उर्फी दीदी ने रिवाइव कर दिया पूरे इंडस्ट्री को, इतना कि लोग आईएचडी कॉल पे लगा रहे हैं इससे। अरे बाबा बहन, रॉन्ग नंबर डायल हो गया था क्या आपका? माना कि कपड़े इन्वेंट हुए होंगे बदन ढकने के लिए, पर उर्फी दीदी भी लाइक बदन ही तो ढकना है, कुछ भी लपेट लो इसकी आंख। पर कुछ भी लपेटने के बाद भी ये कवर नहीं कर पा रही खुद को। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। उर्फी दीदी से मेरा इतना प्यार है ना कि उनके ऊपर बिना वीडियो बनाए मेरा मन ही नहीं मानता। बैंक में डकैती करनी है तो बिना हैंगर के भी जा सकती हो। पैसा क्या क्या करवाता है यार इंसान से, बेचारे लोगों को देखो जो पीओपी लगा रहे हैं। अरे यहाँ पीओपी नहीं है, पीओपी जैसा कुछ तो है ना वो, देख लो। और वो बच्चे शर्म करो जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते। मगर क्यों? तुम्हारे माँ बाप को क्या दर्दनाक काम करना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी सी लाइफ दे सके, और फिर तुम देवत्यागी बन जाते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अब ये देख के ये मत कहना ये क्या देख लियो, अब ये क्या है, सच है क्या? पर क्यों? अच्छा मेरे लिए बता दो क्या आउटफिट बनाओगे तुम, अगर तुम्हें सिचुएशन दे दे। मैं बनाऊंगा सूट सलवार। पर क्यों? ऐसे वो अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा आप पे काफी। पर ठीक है, मैं कौन से कलर में आप बताओ, क्या पता बाहर जाके मैं पहन लूं वो, एक से फिनाले पे मैं पहनूंगी फिर ग्रीन। ग्रीन कलर का। हाय क्या बात है, चलो एलिशा कहने पे ही कम से कम उर्फी दीदी ने सूट तो पहना। वैसे कैप्शन में लिखा हुआ इंडिपेंडेंस डे के ओकेशन पे पहना था, पर क्या हो गया पहना तो है ना, तो वो कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे ही सुंदर दिखती रहा करो दीदी, नजर ना लगे। यार दो पल ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती किसी को, ये पेड़ बन गई अब टीरी। इसकी माँ का भोला चेहरा। एक बार को तो पेड़ भी हड़ताल पे चला जाए ये देख करके, और कसम से यार इस पेड़ का फ्रूट गिरने
आनी चाहिए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर बकरी आ जाए तो चुप। नहीं 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 ये सब नहीं सोचना गंदी बात। क्यों नहीं? पर यार उर्वशी के पेड़ बनने से एक फायदा तो है कि ग्रूट को उसकी बंदी मिल जाएगी। लेकिन ग्रूट भी इनको देख के ये ना बोल दे लेट्स बी फ्रेंड्स। तू समझा? हाँ। देखो कोई फालतू नहीं बोलेगा, ग्रूट का भी भला होना चाहिए। मैं उर्फी दीदी का रिश्ता लेके जा रही हूँ ग्रूट के पास। इस प्रकार की बचकाना बातें। ओके सो दैट इज इट टुडे गाइस, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे। हमसे तो प्यार ही नहीं करता, कोई शेयर ही नहीं करता है वीडियो।